आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री का चैप्टर ए ऑन टू लोगो का एक्सरसाइज डिस्कस करूंगी, ठीक है? सभी बच्चे कॉपी पेंसिल बुक सामने रखेंगे, ठीक है? सभी बच्चे कॉपी पेंसिल बुक पास में रखेंगे। अभी मैं आपको जो कुछ लिखा हूँ बोर्ड पे, सभी बच्चे उसे ध्यान से क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है? दिखाने के साथ साथ हम उसको समझाएंगे भी, ठीक है? सभी अच्छे से उसको समझेंगे। उसके बाद जिसको जहां भी डाउट होगा, लास्ट में 10 मिनट आपको दिया जाएगा, आप उसमें आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए, आज कौन सा चैप्टर का एक्सरसाइज होने वाला है? चैप्टर एक का। तो चैप्टर एक क्या है? लोग ऑन टू लोगो। सभी बच्चे रेडी हैं? सभी बच्चे अपने कुछ काम लिए हैं? चलिए, सभी बच्चे निकालेंगे पेज नंबर 72, बुक का पेज नंबर 72। पेज नंबर 72। क्वेश्चन नंबर ए में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन क्या है सही है उसको टिक करना है, ठीक है? डैश बटन क्लियर द लोगो आउटपुट स्क्रीन। क्या है? डैश बटन क्लियर द लोगो आउटपुट स्क्रीन। लोगो का जो स्क्रीन होता है उसको क्लियर जब करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोज का, फॉल्ट का या रीसेट का? कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्या होगा पोज का? ए रीसेट। फर्स्ट में क्या होगा? ए नंबर रीसेट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर टू है, द डैश डिमिटिंग इज यूज व्हेन यू वांट द टर्टल टू मूव बैकवर्ड। टर्टल टू बैकवर्ड यानी कि पीछे की ओर मूव करने के लिए किस प्रिमिटिव या कमांड का उपयोग किया जाता है? बैक करने के लिए एलटी, आरटी या बीके? क्या होगा? बीके। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? सी बीके। सेकंड का आंसर क्या होगा? सी बीके। अब क्वेश्चन नंबर थ्री है, डैश कमांड इज यूज्ड टू हाइड द टर्टल। टर्टल को हाइड करने के लिए हम लोग किस कमांड का उपयोग करते हैं? टर्टल को हाइड करने के लिए, तो टर्टल को हाइड करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बोलो। गुड, एच टी। क्या होगा? एच टी। तो थ्री का भी क्या होगा? सी एच टी। अब क्वेश्चन नंबर फोर है, द डैश प्रिमिटिव ब्रिंग यू आउट ऑफ लोगो। किस प्रिमिटिव का उपयोग हम लोग करते हैं आउट ऑफ लोगो के लिए? बाय। किसका? बाय। तो फोर का क्या होगा? सी। फोर का क्या होगा? सी। ये हो गया आपको टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है? फर्स्ट का ए, सेकंड में सी, थ्री का सी, फोर का सी, फोर का भी सी। सभी बच्चे अच्छे से अपने बुक में टिक कर लेंगे, ठीक है? अच्छे से इसको टिक करेंगे। आइए, अब क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? फिल इन द ब्लैंक, खाली जगहों को भरे। इसमें क्या करना है? खाली जगहों को क्या है उसको भरना। ल
लोगो इज वन ऑफ द डैश कंप्यूटर लैंग्वेज. लोगो जो है वो कैसा कंप्यूटर लैंग्वेज है? हार्ड, इजीएस्ट, क्या है? तो वो क्या है? इजीएस्ट. सबसे क्या है? इजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है. लोगो इज वन ऑफ द इजीएस्ट. फर्स्ट में क्या लिखेंगे? इजीएस्ट. EGS फर्स्ट में क्या फिल करेंगे? EGS. मैन स्क्रीन इज आल्सो कॉल्ड डैश स्क्रीन. मैन स्क्रीन को और क्या कहा जाता है? मैन स्क्रीन को ग्राफिक स्क्रीन भी कहा जाता है. तो सेकंड में क्या लिखेंगे? ग्राफिक. ग्राफिक. क्या लिखेंगे? ग्राफिक. मेन स्क्रीन को ग्राफिक स्क्रीन भी कहा जाता है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है. डैश कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू टाइप इन द इनपुट बॉक्स. जो इंस्ट्रक्शन हम इनपुट बॉक्स में टाइप करते हैं तो वो रिकॉर्ड करके रखने का काम किस कौन करता है? मतलब कहाँ वो कहाँ रिकॉर्ड करके रखा जाता है? तो वो रिकॉल लिस्ट बॉक्स में रिकॉर्ड होता है. वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? रिकॉल लिस्ट बॉक्स में. क्या करेंगे? रिकॉल लिस्ट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? रिकॉल लिस्ट बॉक्स. अब क्वेश्चन नंबर 4 है. द कमांड इन लोगो आर नॉट एज. जो लोगो में जो कमांड होते हैं उसको हम किस नाम से जानते? तो उसे प्रीमिटिव के नाम से जानते हैं. लोगों के कमांड्स को किस नाम से जानते हैं? प्रीमिटिव. प्रीमिटिव. लोगों के कमांड को किस नाम से जाना जाता है? प्रीमिटिव. प्रीमिटिव्स. फोर में क्या फिल करेंगे? प्रीमिटिव्स. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ. क्वेश्चन नंबर 5 है. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड इज. फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कल हम आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म दिखाए थे, जैसे कि फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, लेफ्ट का, राइट का, सबका लिखाए थे ना क्लियर स्क्रीन का. तो आप लोगों ने याद किया? सभी बच्चे याद किए? तो बताएंगे फॉरवर्ड का क्या लिखा है? शॉर्ट फॉर्म एफ डी. गुड, बहुत अच्छे. एफ डी. फॉरवर्ड का क्या लिखा है यार? एफ डी. ठीक है, ये हो गया फिल इन द ब्लैंक. सभी बच्चे सुंदर राइटिंग में बुक में इसको फिल करेंगे. ठीक है, Thank you.
अब क्वेश्चन नंबर सी है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। कुछ यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो स्टेटमेंट सही होगा उसमें क्या लिखना है ट्रू, और जो गलत होगा उसमें क्या लिखना है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है HD कमांड इज यूज टू हाइड द टर्टल। HD कमांड का उपयोग टर्टल को हाइड करने के लिए किया जाता है, ये क्या है सही स्टेटमेंट है या गलत, क्या है ट्रू है या फॉल्स। ट्रू, क्योंकि HD कमांड का उपयोग टर्टल को हाइड करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर टू है लोगो स्क्रीन इज स्किन की टू थ्री पार्ट। लोगो स्क्रीन को कितने पार्ट फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक। लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है लॉजिक ओरिएंटेड एंड ग्राफिक ओरिएंटेड, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, इसमें क्या लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर है लोगो इज अ स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। लोगो क्या है एक त्रिभुजाकार संरचना है या फिर सिंपल लैंग्वेज है, क्या है लोगो। लोगो एक लैंग्वेज है, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स लिखेंगे है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लोगों में क्या कहलाता है टर्टल, क्या कहलाता है टर्टल, ठीक है। तो ये ट्रू और फॉल्स, सभी बच्चे अच्छे से इसको ठीक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका क्या करना है आंसर आपको बताना है, ठीक है, उसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर द पार्ट What are the parts of a logo screen? Logo screen. लोगो स्क्रीन के पार्ट्स को बताना है, लोगो स्क्रीन के पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए लोगो स्क्रीन। लोगो स्क्रीन के क्या पार्ट्स होते हैं बताए थे हम पिछले क्लास में, क्या बताए थे, हाँ क्या बताए थे, लोगो स्क्रीन इज टू मेन पार्ट्स। देखो आंसर में क्या लिखा है लोगो स्क्रीन, लोगो स्क्रीन इज
इज टू मेन पार्ट्स में कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स. फर्स्ट में क्या लिखेंगे? मैन इज क्लीन. फर्स्ट में क्या लिखेंगे? और सेकंड में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में मैन इज क्लीन और सेकंड में कमांडर बिल्डो. तुम लोग बोलते नहीं हो, सिर्फ लिखने पे ध्यान दे रहा है. समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? समझ जाओगे तो याद करने में क्या होगा? बहुत आसान होगा, अभी ही याद हो जाएगा लिखते लिखते. कमांडर विंडो. लोगो स्क्रीन के कितने भाग होते हैं? तो लोगो स्क्रीन के दो भाग होते हैं. एक कॉम्पिट होता है मैन स्क्रीन. एक क्या होता है? मैन स्क्रीन. और दूसरा होता है कमांडर विंडो. ठीक है, एक में लिखेंगे मैन स्क्रीन और दूसरे में कमांडर विंडो. मैन स्क्रीन को ही ग्राफिक स्क्रीन कहा जाता है. याद है ना सभी को? सभी बच्चे सुंदर राइटिंग में इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर टू है. राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन स्क्रीन एंड कमांडर विंडो. आपको मैन स्क्रीन और कमांडर विंडो में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं है, वो आपको क्या करना है? लिखना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? कमांडर विंडो और मैन स्क्रीन की डिफरेंस को आपको लिखना. Thank you.
Write the difference between main screen and commander window. तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में? सबसे पहले मेन स्क्रीन लिखकर डैश देंगे. क्या करेंगे? मेन स्क्रीन लिखकर डैश देंगे. मेन स्क्रीन का क्या डिफरेंशन लिखेंगे? द मेन स्क्रीन, द मेन स्क्रीन, द मेन स्क्रीन शो द मेन स्क्रीन शो द result shows the result of the command main screen kya hota hai? main screen jo hota hai वो क्या करता है? जो भी कमांड जो हम डालते हैं उसके रिजल्ट को शो करता है. जो भी कमांड हम डालते हैं कहाँ? कमांड इनपुट बॉक्स में मेन स्क्रीन उसको शो करता है. ठीक है, तो ये मेन स्क्रीन है और कमांडर फिर तो क्या होता है? कमांडर विंडो लेके डैश कर और कमांडर विंडो में हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज द विंडो विच वी यूज टू गिव कमांड टू लोग. दिस इज द विंडो, दिस इज द विंडो दिस इज द विंडो This is the window which we use to give command give command to logo. give commands to logo. और कमांडर विंडो क्या होता है? तो यह एक ऐसा विंडो है जहां हम लोग क्या करते हैं? कमांड्स को इनपुट करते हैं, मतलब लोगो में कमांड्स को डालते हैं. ये क्या है? ऐसा विंडो. ठीक है, तो ये दोनों में क्या अंतर क्या है? यहाँ जो कमांड हम लोग डालते हैं उसका रिजल्ट हम मेन स्क्रीन में देखते हैं और यहाँ क्या करते हैं? ये जो है जहाँ हम लोग कमांड को डालते हैं, यही दोनों क्या है? इन दोनों का डिफरेंस. ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसे अच्छे से लिखेंगे.
सुंदर राइटिंग में सब बच्चे लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे इसको लिख लिए। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज, तीन क्वेश्चन अभी और है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ टर्टल। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ टर्टल, टर्टल क्या है, कौन बच्चे बोलेंगे, किसी को पता है। टर्टल बहुत अच्छे, टर्टल इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगुलर, एक त्रिभुजा का संरचना है, ठीक है। ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। आइए देखिए, व्हाट इज अ टर्टल, क्वेश्चन नंबर थ्री। व्हाट What is a turtle? The turtle is a small granular granular structure. Granular structure that granular structure यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अरे थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, दैट अवे ओनली ओनली लोगो कमांड, ये क्या होता है, ये टर्टल ओनली लोगो कमांड्स में होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये 3 का भी हम लोग रखे थे, क्योंकि समय हो चला है, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है। आज की क्लास में जो भी बच्चों को कोई भी दिक्कत है तो आज आप हमसे पूछे। मैम हटिए ना, मैम हटिए ना, मैम हटिए ना, मैम हटिए ना। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। यस मैम, हो गया ये फर्स्ट सेवन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। No, ma'am. हो गया। कितनी देर से खड़ा हुआ है मैम? ओ यार गए हेलो मैम, मैम हो गया मिटा दीजिए। यस मैम, यस मैम मिटा दीजिए। मैम हो गया, मैम बोला नो मैम। मैम फोर फाइव पे कल कर पाएंगे। नो मैम, नो मैम,